फ्रेंड्स, टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। इसी पे आज हमारा डिस्कशन है कि अगर आप लाइफ में टफ टाइम फेस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ने में काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, आप बहुत ही कंफ्यूज हैं अपने लाइफ में और सोच रहे हैं कि वे आउट क्या हो, कैसे मैं आगे बढ़ूं और कैसे मैं अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और बढ़ाऊं और क्या क्या चीजें हैं जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ आगे फ्यूचर में। तो दोस्तों, मैं तीन केसेस लूंगा यहाँ पे। जो टफ टाइम्स होता है वो टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, एज सेड कि जो टफ टाइम होता है कुछ समय के लिए होता है, जो टफ पीपल होते हैं वो उसको फेस करके आगे बढ़ जाते हैं एंड दे सक्सीड इन लाइफ। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टफ टाइम्स नेवर लॉस्ट, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। नाउ टेकिंग द डिस्कशन पॉइंट अहेड, सो देयर आर थ्री केसेस, देयर आर थ्री सिचुएशंस आई वुड रादर से। पहला सिचुएशन जो है दोस्तों कि ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि देयर इज वन इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जो है वो अपनी 12th एग्जाम पास करता है एवरेज स्कोर से, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके पेरेंट्स के प्रेशर से या जो पीयर प्रेशर है उससे वो जो भी कोर्सेज रहते हैं या जो भी पेरेंट्स बताते हैं जो भी कोर्स करने के लिए वो कर लेता है, वो इंजीनियरिंग कर लेता है। इनफैक्ट वो इंजीनियरिंग का कोर्स करता है और वो फाइनली 4 साल के बाद वो इंजीनियर बन जाता है और उसे जॉब भी मिल जाती है। और जॉब मिलने के बाद वो विद इन 2-3 ईयर्स, 2 साल के अंदर वो उसे ऐसा लगता है कि उसको जो लाइफ में अचीव करना था उसने नहीं अचीव किया और ये जो जॉब है ये उसके लिए नहीं है। एंड उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ और करना चाहता था लाइफ में लेकिन जो वो कर नहीं सका और इसलिए वो ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब एंड ही इज फ्रस्ट्रेटेड। तो अपनी जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं है एंड ही वॉन्ट्स टू मूव अहेड एंड यू नो लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो ऐसे केस में है। दूसरा केस दोस्त ये हो सकता है, दूसरा केस दोस्तों ये है कि जिसमें कि देयर इज वन इंडिविजुअल अगेन एंड ही इज ब्रिलियंट थ्रू आउट हिज स्कूल डेज, ही इज ब्रिलियंट और उसने अपनी बैचलर्स भी अच्छे कॉलेज से किया, ही पास्ड आउट गुड एंट्रेंस एग्जाम विद गुड स्कोर एंड फाइनली उसने अपनी मास्टर्स भी अच्छे कॉलेज से किया एंड एमबीए करने के बाद ही इज इन अ वेल सेटल्ड जॉब एंड हिज कॉम्पेंसेशन इज ऑल्सो हाई, उसकी अच्छी कॉम्पेंसेशन है और वो लाइफ में ग्रो कर रहा है बट ही इज नॉट हैप्पी विथ हिज जॉब। तो ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब, रादर आई वुड से ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब, अभी वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये दूसरे केसेस में ये है, यू आर ब्रिलियंट होने के बाद भी ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब। थर्ड वुड बी अ केस ऑफ अ गाय, रादर आई से अ केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज वेरी एक्सपेरिमेंटल इन हिज नेचर एंड उसे पता नहीं होता उसे लाइफ में करना क्या है। फाइनली जो उसे होता है, जो उसे समझ में आता है, जो इसका इंटरेस्ट है उसी पे वो जाता है और वो किसी तरह से वो अपनी एग्जाम्स में फेल भी होता है, 12th भी क्लियर करता है वो और 12th एग्जाम्स भी पास करता है, फिर वो बैचलर्स भी कंप्लीट करता है। बैचलर्स वो मीडिया कम्युनिकेशन में करता है क्योंकि उसे लगता था कि वो जो है वो एंटरटेनमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, उसे ऐसा ग्लैमर ऐसा लगता था कि वो ग्लैमर सेक्टर में जाना चाहता है, जो ग्लैमरस सेक्टर है उसमें, तो बैचलर्स भी कंप्लीट करता है। उसके बाद वो फाइनली वो मास्टर्स कंप्लीट करता है, मास्टर्स मास कम्युनिकेशन में करता है और उसके बाद वो एक एड एजेंसी ज्वाइन करता है जहां पे वो क्रिएटिव टीम के साथ काम करता है और विद इन 3-4 ईयर्स उसकी प्रमोशन हो जाती है, वो क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाता है एंड ही सो हैप्पी सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। वो आगे लाइफ में भी ग्रो कर रहा है बट ही वॉज वेरी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो ये तीनों केसेस हैं अपने पास अभी, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन दीज 3 केसेस ओनली। पहला जो केस है दोस्तों उसमें क्या है कि एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट है जो कि पढ़ने में एवरेज है, मीडियम है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है, वो अपनी पेरेंट्स की बात सुनता है, वो इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग करने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो प्लेसमेंट के थ्रू मिल रहा है या जिसको ऑप्ट करने से अच्छी कंपनीज में जॉब लग सकता है, तो ट्राई करता है, उसकी जॉब भी हो जाती है अच्छी कंपनी में, इवन वो प्लेसमेंट में बैठता है, उसे कंपनीज जो भी कंपनीज आती है रिक्रूट कर लेती है, जॉब में ज्वाइन कर लेता है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या है कि ऐसे केस में आपको तो ये तो आपको पता है कि आप इंजीनियर हैं, पहले तो आप इंजीनियर हैं, ठीक है,
दूसरा आप अगर इंजीनियर हैं तो आप में क्रिएटिव किरिया जरूर होगा, क्रिएटिव आप क्रिएटिविटी आप में जरूर होगी, और आपकी इवन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप इतने ज्यादा डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, आप इतने ज्यादा डीमोरलाइज हो चुके हैं कि जो आपकी अच्छी क्वालिटीज है, ये जो आपकी स्ट्रेंथ्स है वो आपको पता नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करें, स्वॉट एनालिसिस करें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपको, थ्रेट्स क्या क्या है आपके। तो इस स्वॉट एनालिसिस अपनी खुद पे करें, खुद पे करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो मैं आपकी स्ट्रेंथ बताऊंगा कि आप एनालिटिकली आप बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आप इंजीनियर हैं, मैथमेटिकली आप बहुत स्ट्रांग है, नंबर्स आपको आराम से समझ में आता है, टेक्निकली आप बहुत ही साउंड है, क्रिएटिव कीड़ा आप में जरूर है क्योंकि आप इंजीनियर हैं, ठीक है, और आपकी जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट वो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और आप कुछ भी आपको लगता है कि मैं अगर ये नहीं करता, अगर वो करता तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। तो आपकी जो लेवल है काम करने की, आप काफी ज्यादा काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग आप एक बार में काफी कई सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको जो अभी जो डीमोटिवेटेड हो गए हैं इसीलिए आप सोच नहीं पा रहे हैं आप क्या करें। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि आपने जितना भी काम अभी तक किया होगा इससे आपको ये पता चल गया होगा कि आप क्या नहीं कर सकते हैं और क्या नहीं करने से आपको खुशी मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस काम से आपको खुशी मिलती है उसी काम को किया जाए, जिस काम से आपको खुशी मिलती है उसी काम को किया जाए, तो उसमें आपको और ज्यादा ग्रोथ रहेगा और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपके अपॉर्चुनिटी आपके स्ट्रेंथ्स बता दिए आपको, तो दोस्तों कोशिश करना है कि डीमोटिवेट नहीं होना है, कोशिश करना है, क्योंकि मैंने मैंने कई लोगों को देखा है, कई इंजीनियर्स को देखा है इनफैक्ट, कि वो अपनी स्किल सेट्स की वजह से दूसरे कई जगह पे दूसरे कई सेक्टर्स में वो फिट बैठे हैं, तो जो उनकी प्रोफाइल है वो फिट हो गई है, ठीक है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा भी होगा आप में, इनफैक्ट आप सोच रहे होंगे करने का लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इंजीनियर हैं तो आप टेक्निकली साउंड हैं, तो आप इनफैक्ट किसी भी सोशल सेक्टर में आप जा सकते हैं, आप सोशल सेक्टर में इतनी सारे इश्यूज हैं, इतनी सारे प्रॉब्लम हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप एजुकेट कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं किसी भी अच्छे स्कूल में जाकर के, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप खुद की एक इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, सोशल सेक्टर सोशल इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, सोशल एंटरप्राइज का क्रेज है अभी, सोशल एंटरप्राइज आप कर सकते हैं अपना स्टेब्लिश। तो ऐसे सारे कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको सोचना है, बैठ करके सोचना है, प्रॉपरली प्लान करना है, और जब आपको लगेगा तो आपको फिर ट्राई करना है। तो आप ट्राई अगर करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे जो एरियाज हैं जहाँ पे भी अभी ग्रोथ है सबसे ज्यादा आप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ तक इनफैक्ट मैंने आईआईटी इंजीनियर्स को भी देखा है, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं आईआईटीएंस, और वो पास आउट होने के बाद भी उनके मन में रहता है कि वो जो अभी जॉब कर रहे हैं उससे दे आर नॉट हैप्पी एंड दे वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। या तो वो कोई बुक लिखना चाहता है, कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, कोई अपनी एनजीओ खोलना चाहता है, कोई अपना म्यूजिक की एक फर्म स्टेब्लिश करना चाहता है, कोई कोई जो है सोशल एंटरप्राइज स्टेब्लिश करना चाहता है। तो दोस्तों ये आजकल है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और ऐसा कोई नहीं है तो आप गलत हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं ऐसे।